और फिर हमारे को तो सच्चाई ये है कि इन्होंने इन्वॉल्व ही नहीं करा, हमारी तो वेस्ट ही करने बतुले हुए थे, हमारे हलके के अंदर जाते थे, हमारे को ना बुलाया जाता था, ना हमारे को इतला करी जाती थी, ना हमारे फ़ोन उठाए जाते थे। किस बात पे मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही। पूरे ज़िले से ये हारे हैं, अपने हलके से हारे हैं जहाँ पे ये सिटिंग MLA हैं, अपने बूथ पे ये हारे हैं। खुद जो हैं ये हमें बताएं कि अपने हलके से क्यों हारे हैं, अपने बूथ से क्यों हारे हैं, अपने पूरे ज़िले से क्यों हारे हैं। आरोप ही नहीं लगा रहे, वो कहीं ना कहीं इशारा भी कर रहे हैं कि विधानसभा जब चुनाव होगा तो वो तोसाम में आएंगे। एक तरह से उन्होंने बदला लेने का संकेत भी दिया कि तोसाम विधानसभा में आएंगे विधानसभा चुनाव के दौरान। इलेक्शन तो वो भी लड़ेंगे, अपना इलेक्शन तो जीत जाएं। रंजीत, बात करें लोकसभा चुनाव की, जो चुनाव हो चुका है लेकिन रिजल्ट आने के बाद जिस प्रकार से कांग्रेस प्रत्याशी रहे राव दान सिंह जो आरोप लगाते हैं कि कहीं ना कहीं तोसाम से आ रहे हैं, और इशारा उनका आपकी तरफ होता है स्पष्ट कि किरण चौधरी की वजह से हार हुई है, क्या कहेंगे इशारों को? बड़े दुर्भाग्य की बात है वो इस तरह की बात कर रहे हैं, मैंने भी सुना था। अच्छा होता अगर देखो इस तरह के आरोप ना लगाए जाते। इलेक्शन हमने भी लड़े, श्रुति ने 3 इलेक्शन लड़े और 2 इलेक्शन जो है हम भी हारे हैं। हमने किसी के ऊपर आरोप जो हैं किसी तरह के नहीं मंडे। जब सारी जनता जानती है कि श्रुति ने जब इलेक्शन लड़ा तो महेंद्रगढ़ से उसके कितने वोट आए थे, इतने वोट आए थे कि जमानत जब्त भी कहते हैं जमानत भी जब वो जो है बचानी मुश्किल हो गई थी, और जो हालात उस समय करे थे इन्होंने वो जग जाहिर है, सब जनता जानती है। लेकिन हमने तो अपना मुँह नहीं खोला, क्योंकि ये जनता का जो है आखिरी में जो जनता अपना वो देती है, वोट देती है, जो मत अपना देती है वो सिर माथे पे होता है, उसके ऊपर ये इस तरह से जो बातें करना ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और सत्य ये है कि ये किस बात पे मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही। अपने ज़िले से जहाँ पे ये कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा नेता हूँ या जो भी हैं, पूरे ज़िले से ये हारें, अपने हल्के से हारें जहाँ पर ये सिटिंग MLA हैं, अपने बूथ पे ये हारे हैं, तो शाम हलके के अंदर पूरा का पूरा इनका काम, इनका जो मामे का बेटा है कोई वो देख रहा था सारा कुछ, हमारे हाथ में तो कुछ था नहीं, सारा कुछ वो ही कर रहे थे। अपने मामों के गांव के अंदर हारे हैं, तो हर तरीके से इस तरह की बात करते हैं तो मुझे तो समझ नहीं आती। बेमानी से भी हारे हैं तो इसका मतलब ये है कि सारी जगह मैंने सारा ये काम कर दिया, इसका तो मतलब यही है। तो बहुत दुर्भाग्य की बात है, इनको समझ आनी चाहिए कि श्रुति भी जब लड़ी थी तो शाम हल्के से बहुत भारी बहुमत से जो है वो हारी थी, लेकिन वो जो है हमने तो उसका जो है मार्जिन जो है वो बहुत कम करा है, इनको ये बात देखनी चाहिए। और फिर हमारे को तो सच्चाई ये है कि इन्होंने इन्वॉल्व ही नहीं करा, हमारी तो बेइज्जती करने पे तुले हुए थे, हमारे हल्के के अंदर जाते थे, हमारे को ना बुलाया जाता था, ना हमारे को इतला करी जाती थी, ना हमारे फ़ोन उठाए जाते थे, ना हमारी कोई श्रुति चौधरी जो हैं वो एक्स MP हैं, एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रही हैं, और ये जो हैं ये हैं अपनी वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, ना उनको बुलाया ना मुझे बुलाया, किसी तरह से कोई बात ही नहीं हुई। तो आप हमारे को तो इस तरह से जो है बेइज्जत करके एक तरफ कोने में डालने की कोशिश करी गई, उसके बावजूद फिर हम चुप हो गए। हमने कहा चलो भाई कोई बात नहीं, कैंडिडेट हैं, पार्टी ने टिकट दे दी है तो अपने अब क्या करें। तो हम तो शैलजा जी के पास गए, वहाँ पे उनका काम करा, और क्या करते। अब इस तरह का ये आरोप जो लगा रहे हैं बड़े दुर्भाग्य की बात है। खुद जो हैं ये हमें बताएं कि अपने हलके से क्यों आ रहे हैं, अपने बूथ से क्यों आ रहे हैं, अपने पूरे ज़िले से क्यों आ रहे हैं। हमने तो यहाँ से इनको फिर भी जो है सारे तीनों ज़िलों ने मिलाकर इनको जिताकर भेजा है, इनको धन्यवाद करना चाहिए इधर के लोगों का कि इन्होंने इनको इतनी वोट दे दी, समझ रहे हैं। ये धन्यवाद करने के बजाय ये आरोप और मंड रहे हैं हमारे तोशाम वालों के ऊपर, जो बहुत ही बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और ख़ास तौर से जो हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर ये बात कह रहे हैं कि ये नहीं करा वो नहीं करा, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं होगा। और मैं समझती हूँ ये कार्यकर्ताओं के ऊपर इस तरह का आरोप मंडना जो है बहुत गलत बात है। ये आरोप ही नहीं लगा रहे, वो कहीं ना कहीं इशारा भी कर रहे हैं कि विधानसभा जब चुनाव होगा तो वो तोशाम में आएंगे। एक तरह से उन्होंने बदला लेने का संकेत भी दिया कि तोशाम विधानसभा में आएंगे विधानसभा चुनाव के दौरान। चलो वो मोस्ट वेलकम, हम तो बड़े राजी होंगे, ज़रूर आएँ। इलेक्शन तो वो भी लड़ेंगे, अपना इलेक्शन तो जीत जाएँ, वो क्या कहते हैं उससे उनको टाइम मिलेगा तो ज़रूर आएँ यहाँ पे, हम तो बहुत खुश होंगे और बदला लेने के लिए ज़रूर आएँ।
हम तो मना नहीं कर रहे, सच्चाई ये है कि हमारे यहाँ तो पूरी जगह जगह पूरी जगह जहाँ जहाँ मैंने इनकी स्पीचेस सुनी है वहाँ यही एक बात कही है कि भाई सब मेरे पास आना, महेंद्रगढ़ में आना इलेक्शन लड़ने के लिए। तो अब ये बात अगर कह रहे हैं तो ठीक है, हम तैयार हैं, आइए, ज़रूर आइए, आपका मोस्ट वेलकम। तो क्या मानते हैं कि ये कहीं ना कहीं ये गुटबाजी या इस तरह के जो आरोप चले थे इसकी वजह से कांग्रेस को खामियाजा उठाना पड़ा, वरना 5 से सीटें 7 या 8 भी हो सकती थी? ये सत्य है। देखो इस बारी कोई नहीं कह सकता कि इलेक्शन, ये जो 5 सीटें आई हैं ये किसी के कारण, ये जो है किसी नेता के कारण नहीं, ये तो जनता ने इलेक्शन लड़ा है, जनता उतारू थी कि जो है कांग्रेस को जिता कर भेजो। लेकिन कांग्रेस का जो दायित्व बनता था, जो जो सत्तासीन जो हैं जिन्होंने टिकट का वितरण करा, जो हैं बैठे हैं जो हमारे भी जो भी हैं ये हरियाणा के अंदर, इनका दायित्व बनता था, इनका फर्ज बनता था कि सही टिकटें सही तरीके से दी जाती। अब आप टिकटें या अब अगर जो है इस तरह से दोगे कि भाई किसी को मारना है, उसको ख़त्म करना है, तो फिर तो ये नाजायज़ बात तो जो है सामने लोगों के है ही। अब चौधरी बंसीलाल जी का इलाका है ये सीट, जो है यहाँ से हमेशा से हम लड़ते आए हैं, श्रुति ने बहुत मेहनत करी थी और पिछले दो बारी हारने के बाद इस बारी जो है श्रुति का बूथ कमेटीज़ जो हैं तक उसका सारा का सारा काम हुआ हुआ था। आप जो है श्रुति को खाली इसलिए काटते हो क्योंकि आप जो है मेरे को, मैं आपको नहीं भाती, आपको ये लगता है कि पता नहीं मैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाऊँगी कि भाई श्रुति को जो है जो आपकी बेटी समान है उसको ही आप ख़त्म कर दो, तो किरण चौधरी को आप ख़त्म कर दोगे। तो भैया मैं ऐसे ख़त्म होने वालों में से नहीं हूँ, मैं तो ख़त्म तब होंगी जब मेरे लोग जो है मेरा साथ नहीं देंगे। लोगों ने जब तक साथ दिया जब तक मैं हूँ, और जिस दिन साथ नहीं दिया अपने आराम से घर पर बैठ जाएंगे। भैया हम तो काम करने के लिए आए हैं, सेवा करने के लिए आए हैं, और इस तरह से जो काम करा जाता है, अब आप बताओ श्रुति जो पार्टी की सर्वे के अंदर, और ये रिकॉर्ड की बात मैं बोल रही हूँ, 56% श्रुति का और 32% दान सिंह का। तो आप मुझे ये बताओ जब पार्टी सर्वे में आ रहा है, सारा कुछ है, आपकी सीट जो है ये बगल वाली सीट जो है वो बनती है वहाँ पर के दूसरे को लड़ा दिया जाता है, तो इसका मतलब तो आप स्पष्ट आपकी नीयत ये है कि खराब करो, खराब करने के लिए आप कर रहे हो, कांग्रेस को जो है आगे बढ़ाने के लिए तो काम नहीं कर रहे, ये तो बहुत स्पष्ट है, सामने नजर आ रहा है। और ये जो बात जब होती है तो बड़े जो है इसका मतलब खामियाजा तो पार्टी को भुगतना पड़ता है। आज जो है नुकसान अगर हुआ है तो किसका हुआ है? पार्टी का नुकसान हुआ है। जिस पार्टी जो है जिससे हम दम भरते हैं वही पार्टी जो है उसका नुकसान हो गया, उसी का नुकसान आप कर रहे। तो ये नुकसान और खामियाजा किसने किया पार्टी का? अब जिसने भी, हमने तो करा नहीं भैया, हम तो ना सत्ता में थे ना हम क्या कहते हैं टिकट वितरण में थे, हमारे साथ तो विश्वासघात जो है वो करा गया, हमारे को तो मारने की कोशिश करी गई कि भाई इनको मेट डालो, ये करा हमारे लिए, और वो करके दिखा दिया इन्होंने कि जो है जो इनकी जो चली तो इन्होंने पूरा ये काम करा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो नहीं मैम? अब जो भी हैं सामने है, अब नाम लेने की क्या ज़रूरत है, जो है सच्चाई है सब लोग जानते हैं। तो एक लास्ट सवाल मैम, राज्यसभा की सीट खाली हुई, चर्चाएं कि किरण चौधरी या श्रुति चौधरी राज्यसभा में जा सकती हैं? मेरी चर्चाएं तो आज से नहीं, 1 साल से चल रही हैं और चलाने वाले भी यही लोग हैं। नहीं, राज्यसभा की बात है, मैं बता तो रही हूँ, पता नहीं कब से चर्चा चल रही है, ये कर होगा वो होगा फला होगा दिखड़ा होगा, ऐसे ही चलता है विकास। बीच बीच में एक फिर कह देते हैं कि फिर चर्चाएं चलती है कि मैडम बीजेपी में जा सकती हैं, वही बात आप फिर बार बार पूछ रहे हो गंगा साहब, मैंने बता तो दिया, यही ये तो चाहते हैं कि मैं निकलूं।